पर पुलिस फायर और एम्बुलेंस सुविधा तत्काल मिलने का मामला 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर इस वक्त चल रहा। राजस्थान में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम कॉल 112 3.5 साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाया है। देखिए, लोगों की सहूलियत के लिए शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट आखिर कहां पर अटका हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा में फंसे लोगों तक पुलिस फायर और एम्बुलेंस की मदद एक फोन कॉल पर पहुंचाने के लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की पहल शुरू की थी। इमरजेंसी पड़ने पर पुलिस सहायता के लिए 100, फायर के लिए 101 और एम्बुलेंस के लिए 102 या फिर 108 डायल करने के बजाय सिर्फ 112 पर कॉल करने से मदद पहुंचाने की व्यवस्था होनी थी। और अब गृह मंत्रालय राज्य सरकार को वर्ष 2017 में राज्य में ERSS की स्थापना के लिए लिखा था, बावजूद इससे गृह मंत्रालय की यह परिकल्पना अभी तक साकार नहीं हो पाई है। ऐसा ERS सिस्टम है, वो भारत सरकार की एक योजना है जिसमें जो 3 अत्यावश्यक सेवाएं हैं, पुलिस, फायर और एम्बुलेंस की, उनको एक जगह रखा गया है और उसका 112 नंबर दिया है। तो 112 नंबर है राजस्थान में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, भिवाड़ी, अलवर और भरतपुर, ये 3 जिलों के अंदर इसकी योजना स्वीकृत की गई थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ है। कॉल 112 के स्थापना के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने 5 जुलाई 2017 को बैठक की थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। अलवर, भिवाड़ी और भरतपुर जिलों में ERSS पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करना था। 2019 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए 45 लाख रुपए भी मंजूर किए गए। इस साल शुरुआत में DPR बनी, लेकिन उसमें 2000 करोड़ रुपए का खर्च बता दिया गया। इसके बाद 11 अगस्त 2020 को ACS गृह की अध्यक्षता में संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। 112 पर आसानी से कॉल के लिए हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास PRI सिस्टम होगा ताकि सीधे कनेक्टिविटी हो सके। नंबर 112 सभी TSP के लिए टोल फ्री नंबर होना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्रालय ने आदेश जारी कर रखा है। सभी पुलिस थानों में उपलब्ध सिग्मा वाहन को भी ERSS के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए, जनता में एक विश्वास कायम करने के लिए कि अगर कोई भी आकस्मिक घटना, दुर्घटना होती है तो उसमें पुलिस की, एम्बुलेंस की और फायर ब्रिगेड की क्या सुविधा कितनी जल्दी आ सकती है, उस पर एक गहन विचार की आवश्यकता है और इसकी ज़रूरत है, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यह व्यवस्था शुरू करने के पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट DPR की कंसल्टेंसी के लिए 45 लाख रुपए की मंजूरी भी दे चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट की जानकारी भी लेते रहते हैं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो विशेष में फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद